अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। एसएलएस स्टूडेंट वन क्लास टेक आउट इंग्लिश बुक हरिया पेज नंबर 17 पर आ जाएं। यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 17। जी एसएलएस स्टूडेंट पेज नंबर 17 पर आ गए। एक्सीलेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डेट 3rd June CAN वेनसडे। वन क्लास, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि लेक्चर नंबर 1 में यूनिट नंबर 3 की हमने रीडिंग की थी एंड लेक्चर नंबर 2 में यूनिट 3 की पेज नंबर 16 की एक्टिविटी नंबर ए सॉल्व की थी। आज हमने लेक्चर नंबर 3 में पेज नंबर 17 पर एक्टिविटी नंबर बी और सी सॉल्व करनी है। जी ऐसे स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज पेज नंबर 17 एक्टिविटी नंबर बी एंड सी। सबसे पहले हम एक्टिविटी नंबर बी पर चलते हैं। एक्टिविटी नंबर बी है लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो हमें वर्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या करना है? लर्न करना है। लर्न मीन याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टूथब्रश, बटन, लॉक, लीफ, पिजन, PIGEON पिजन, पिजन किसे कहते हैं? कबूतर को कहते हैं। DUST डस्ट, PAN पैन डस्ट पैन, HEN हैन, PILLOW पिल्लो, पिल्लो किसको कहते हैं? सरहाने को कहते हैं। ऐसे लाइक स्टूडेंट, आपने ये एक्टिविटी नंबर बी वर्ड क्या करना है? लर्न करना है, याद करना है। एक्टिविटी नंबर सी पर आ जाएं। एक्टिविटी नंबर सी को रीड करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज गिवन इन द एग्जांपल। आपको मैं सबसे पहले ये बताती चलूँ कि एक्टिविटी नंबर सी में जस्ट ओनली नोट इज नॉट का कंसेप्ट दे दिए। कौन सा कंसेप्ट दे दिए? नोट इज नॉट का कंसेप्ट दिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, इन पिक्चर्स के अपोजिट हमसे क्वेश्चन किया गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मेरे पास ये क्या है? रूलर है। क्या है? रूलर है। अगर मैं क्वेश्चन करूँ वन क्लास के इज दिस अ पेन, तो क्या ये आपको पेन दिखाई दे रहे हैं? नो नो, इट इज नॉट अ पेन, इट इज़ अ रूलर, इट इज़ अ रूलर। अब हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एसएलएस स्टूडेंट आपको एक्टिविटी नंबर सी बोर्ड पर राइट करना सिखाऊंगी। इसके बाद आपने एक्टिविटी नंबर सी को अपने बुक पेज 17 पर अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में राइट करना है। तो वन क्लास, लुक एट बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। जी एसएलएस स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेट एंड डे मेंशन करेंगे। 3rd June CA एंड वेनसडे, यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 17, टॉपिक नोट इज नॉट एंड इट इज। तो हम अपनी एक्टिविटी नंबर सी करेंगे। फर्स्ट पे है मेरे पास कि आप अपनी बुक पेज नंबर 17 को फॉलो करें। वहाँ पे आपको पिक्चर सामने दिखाई दे रही है कि इज द क्वेश्चन है इज दिस वन फिंगर गैप, इज दिस अ लॉक, इज दिस अ लॉक। देखिए हम एल इस तरह बनाएंगे, एल ओ सी के लॉक क्वेश्चन मार्क। तो एसएलएस स्टूडेंट, क्या आपको बुक पर लॉक की पिक्चर दिखाई दे रही है? नो। क्या आप अपने बुक को फॉलो कर रहे हैं? जी वेरी गुड। इज दिस अ लॉक? नो। आंसर हम राइट करेंगे नो एंड ओ नो, वन फिंगर गैप, नो इट इज नॉट अ लॉक, नो इट इज नॉट अ लॉक। एसएलएस स्टूडेंट, आपको मैं दोबारा रिपीट करती चलूँ कि एक्टिविटी नंबर सी में हमारे पास जस्ट नोट इज नॉट का कंसेप्ट है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, मेरे पास है, आप वो को साथ साथ फॉलो करें, फ्लावर। मैं क्या राइट मैंने किया है? फ्लावर। आपको बुक पर फ्लावर की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। क्वेश्चन है इज दिस आलिफ। मैंने क्लास में आपको दोबारा बताती चलूँ कि पिक्चर के अपोजिट हमसे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है? इज दिस अ लीफ, तो क्या आपको बुक पर लीफ की पिक्चर दिखाई दे रही है? आई थिंक नो, नो इट इज, नो इट इज नॉट अ लीफ, नॉट इज नॉट अ लीफ बिकॉज एस एल एस स्टूडेंट, क्योंकि पिक्चर फ्लावर की है इसलिए हम
आंसर राइट करेंगे नोट इज नॉट अ लीफ. द थर्ड क्वेश्चन इज बल्ब. आप बुक को दोबारा फॉलो करें. आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी पिक्चर दिखाई दे रही है? जी बल्ब की दिखाई दे रही है. जी बिल्कुल. क्वेश्चन इसके अपोजिट है इज दिस इज दिस आ बटन. क्या आपको ऐसे रेस्टोरेंट वन क्लास आपको सामने पिक्चर पे बुक पेज नंबर 17 पर क्या आपको बटन की पिक्चर दिखाई दे रही है? नो आंसर हम राइट करेंगे नो इट इज नॉट अ बटन. नॉट इज नॉट अ बटन क्योंकि SLS वन क्लास पिक्चर पर तो हमें बल्ब दिखाया गया है. जी एक्सीलेंट. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बोलते राइट करना सिखाए हैं. इसके बाद हम पेज नंबर 17 पर दोबारा आ जाएंगे और आप अपनी पेंसिल हाथ में लें. अब मैं आपको बुक से तमाम क्वेश्चन रीड करवाती हूँ. आई होप यू कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि पेज नंबर 17 पर ओनली नोट इज नॉट का कंसेप्ट है. जी वन क्लास पेज नंबर 17 दोबारा ओपन करें. पेज नंबर 17 पर दोबारा आ गए. एक्सीलेंट. जैसे कि हमने थर्ड क्वेश्चन तक किया था कि इज दिस अ बटन. नो इट इज नॉट अ बटन. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. इज दिस अ पिलो. क्या ये आपको पिलो दिखाई दे रहे? नो नो इट इज नॉट अ पिलो. नो इट इज नॉट अ पिलो. नेक्स्ट इज दिस अ लॉग. क्या ये आपको पिक्चर में सामने स्क्रीन पर लॉग की पिक्चर दिखाई दे रही है? नो नो इट इज नॉट अ लॉग. लॉग कहते हैं ऐसे स्टूडेंट लकड़ी के गड्ढे को लॉग कहते हैं. एंड ये तो हमें सामने हमारे बुक पर तो पिक्चर ट्री की दिखाई गई है. इसलिए आंसर क्या हम राइट करेंगे? नो इट इज नॉट अ लॉग. इज दिस अ हैंड. नेक्स्ट आ जाए. देखिए जहाँ पे मेरा पॉइंटर पुट है आप अपनी फिंगर पुट करें और आप साथ साथ राइट करते जाए. इज दिस अ हैंड. नो इट इज नॉट अ हैंड. नो इट इज नॉट अ हैंड. सेकेंड लास्ट पे आ जाए. इज दिस अ टूथपेस्ट. क्या सर स्टूडेंट ये आपको टूथपेस्ट दिखाई दे रहा है? नो नो इट इज नॉट अ टूथपेस्ट. वन क्लास इट इज अ ब्रश टूथब्रश. देखिए ये पिक्चर में तो टूथब्रश की पिक्चर है ना. और क्वेश्चन है इज दिस अ टूथपेस्ट. पूछा गया क्या ये टूथपेस्ट है? नो इट इज नॉट अ टूथपेस्ट. लास्ट पे आ जाए. इज दिस अ डस्ट पैन. क्या ये सामने हमें डस्टपैन दिखाई दे रहे है? नो इट इज नॉट अ डस्टपैन. नो इट इज नॉट अ डस्टपैन. ऐसे स्टूडेंट पेज नंबर 17 की एक्टिविटी हमारी बी और सी कंप्लीट हुई. आपने एक्टिविटी नंबर बी को अच्छे तरीके से स्पेल वर्ड याद करने हैं और एक्टिविटी नंबर सी को अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में अपने पेज नंबर 17 पर ही आपने सॉल्व करना है. आई होप यू कि आप पेज नंबर 17 को अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में राइट करोगे. आपने ये पिक्चर मुझे व्हाट्सअप करनी है ताकि मैं देख सकूँ कि ऐसे स्टूडेंट ने कैसी राइटिंग की है. तो आपको पेज नंबर 17 की पिक्चर व्हाट्सअप कर दी जाएगी. इसके साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 ख़त्म हुआ. इजाज़त दें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.